हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। ये देखिए, आज मैं नेपाल में आया हूँ। नेपाल मतलब ये महाराजगंज जिला के पास सुनौली बॉर्डर पड़ता है, वहाँ से 6 किलोमीटर दूरी आपका नेपाल का हॉट बाज़ार है। इस बाज़ार में आप बहुत सारा चीज़ देखेंगे जो काफ़ी सस्ता मिलता है आपको। और ये देखिए, बाज़ार में रोड के दोनों साइड में मार्केट लगा हुआ है। और ये मार्केट में देखिए, धनिया, ये हींग है भाई, हींग सब मसाला का चीज़ रखा हुआ है। और यहाँ खुला नहीं है, बहुत सारा चीज़ पाएंगे और ये काफ़ी सस्ता मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे नेपाल में जो कि मतलब ये भूटबल जगह का नाम है, इस जगह पे बहुत सारे मतलब हमारे देश के लोग हैं, जैसे भारत के लोग ही यहाँ पे दुकान लगाए हुए। देखिए, भारत के ही भाई हैं जो मसाला बेच रहे हैं। और आगे मैं दिखाता हूँ आपको, आगे जाइएगा तो देखिएगा, ये आपके बाएं साइड में देखिए, ये सब बर्तन वर्तन का मतलब दुकान है। और यहाँ पे बर्तन वर्तन भी यहाँ बिकता है। और बर्तन जो कि मतलब काफ़ी सस्ता होता है, ये देखिए आप देख सकते हैं। और ये ऊपर ये लोग इसको छाए हुए हैं, मतलब धूप से बचने के लिए इसको तालपत्री बोलते हैं, उससे ढके हुए हैं। और यहाँ का मार्केट काफ़ी मनमोहक है, काफ़ी सुंदर है। हींग है भाई, खुला और काफ़ी अच्छा। ये मार्केट जो कि नेपाल में आज लगा हुआ है, ये मार्केट हर गुरुवार को यहाँ पे लगता है, गुरुवार के दिन। मैं भी यहाँ से मतलब सोचिए, हींग यहाँ पे काफ़ी फेमस प्रसिद्ध है। और हींग काफ़ी सस्ता मिलता है यहाँ पे। तो अगर किसी कोई भाई अगर नेपाल में आता है तो यहाँ से हींग लेके जा सकता है। हींग जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, मतलब अगर किसी को पेट में तकलीफ है या खाने को टेस्टी बनाना है तो खाने में भी हींग का इस्तेमाल होता है। और ये देखिए, यहाँ पे सब्जी वब्जी का भी धंधा लगा हुआ है, कपड़ा है आपका बहुत सारा। और ये इसके अंदर में आप देखेंगे बहुत लंबा मार्केट है, आपको देखने में काफ़ी सुंदर मार्केट है। यहाँ पे हर प्रकार का चीज़ आपको मिल जाएगा, कपड़ा, बर्तन, सब्जी, मसाला और गुड़ भी आपको मिलेगा। गुड़, यहाँ का गुड़ खाने में बहुत टेस्टी होता है। और ये मार्केट जो कि काफ़ी सुंदर लगता है। तो दोस्तों, मैं अपने वीडियो समाप्त करता हूँ। आप लोग जब भी नेपाल आइए, यहाँ से होके जाइए। थैंक यू।